नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है एक गवर्नमेंट जॉब जो है बिहार की तरफ से जो है निकल के आ रहा है, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि लगातार सरकारी नौकरी राज्य है बिहार। मतलब बिहार में जो अभी अभी बम्पर बहाली जो है चल रही है। रीज़न आपको पता है, कारण आपको पता है कि भैया इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन के पहले जो भी जितनी भी सीटें खाली हैं किसी भी फील्ड में, उसको जो है भरने का जो है काम जो है किया जा रहा है। और उसी के संदर्भ में और उसी के मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अब जो है बिहार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10,332 पद की स्वीकृत की गई है। यानी अभी जो है वैकेंसी आने वाली है बिहार में, और बिहार में जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 10,000 जो है 10,332 जो है पदों पे जो है ट्रैफिक पुलिस की जो है यातायात जो पुलिस होते हैं ना, यातायात व्यवस्था जिसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की जो है बहाली होने वाली है। यानी यहाँ पे आप लोगों को कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जो है वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी 10,332 पे। अब इसमें किस किस चीज़ के लिए वैकेंसी होगी जरा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सिपाही से लेकर DSP तक के पद शामिल है। यानी इसमें आप लोगों को सिपाही, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है DSP है ना, DSP के पद मिलेंगे आपको, जो है सिपाही के पद मिलेंगे। इनमें 28 जिलों में यातायात थाना के लिए 4,215 और पेट्रोलिंग के लिए 1,560 यातायात पुलिस बहाल होंगे। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में और इस पूरे बहाली में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिपाही की बहाली देखने को मिलेगी, यानी आपको यहाँ पे सिपाही की भर्ती दिखेगी। सिपाही के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे DSP की वैकेंसी देखने को मिलेगी, DSP की। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे यातायात थाना है ना, आप लोगों को यहाँ पे यातायात थाना की भी वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी, यानी थाना की भी बहाली होगी है ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो पेट्रोलिंग करते हैं पुलिस है ना, आपको भी पता है कि पेट्रोलिंग के लिए भी जो है पेट्रोलिंग के लिए भी जो है भाई पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो पेट्रोलिंग के लिए भी जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए जो है 1,560 वैकेंसी आएंगी। यातायात थाना के लिए जो है 4,215 पदे आएंगी। और ये जो 10,000 हैं इन्हीं में से जो है कुछ सिपाही होंगे, कुछ DSP होंगे, मतलब इसी में से जो है सबको अलग अलग पोस्ट के लिए जो है ये प्रक्रिया आने वाली है। अब ये प्रक्रिया का नोटिफिकेशन कब जारी हो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को, इसका जो नोटिस है आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में जो है आप लोगों को सितंबर या और अक्टूबर में जो है आपको ये बहाली जो है देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये अभी जो है और नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है कि इतने पदों के लिए जो है हम लोग सिपाही की भर्ती लेंगे, इतने पदों के लिए जो है हम लोग यातायात और पुलिस की जो है वैकेंसी लेंगे। इसके उपलक्ष्य में जो भी चीज़ें आएंगी वो चीज़ जो है मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो अगर अभी तक आप जिस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ जो है ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि जो भी अपडेट आएगी आपको जो है सीधे तौर पे आप लोगों को मिल जाएगी। और आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन से और उस जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं उसकी अपडेट जो है आप लोगों को मिलती रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।